निश्चय इस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक कौन तैयार करता है? नीति आयोग, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली। देखते हैं चर्चा में क्यों है और सही आंसर क्या होगा। ज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर, ये 2018 का संकलन अभी जारी किया गया है हाल ही में, तो इसे कौन जारी करता है? ये लिखा है, देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली के एक विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। दर्शाता क्या है? भारत में इंजीनियरिंग संस्थान, वैज्ञानिक संस्थान, इनकी क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, इसमें जो कुल विद्यार्थी हैं उनमें कितने प्रतिशत महिलाएं होती हैं, इस तरह के आंकड़े ये दर्शाता है। देखिए तो इसकी कुछ प्रमुख बात। भारत में सरकारी वित्त पोषित प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हैं, उनकी अपेक्षा निजी क्षेत्र की शोध कंपनियां महिलाओं को अधिक नौकरी दी जाती है। और सरकारी वित्त पोषित प्रमुख संस्थानों की जगह निजी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। एसटीआई 2018 में ये भी कहा गया है कि भारत के विज्ञान क्षेत्र में पुरुषों की बहुलता बनी आ रही है, और वो पहले से बनी हुई है और अभी भी बनी हुई है। तो नंबर वन, विज्ञान क्षेत्र में पुरुषों की बहुलता है। नंबर दो, निजी क्षेत्र में, अगर हम सरकारी और निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। सीधे तौर पर प्रीलिम्स में कहीं काम नहीं आएगा। मेंस का कोई आंसर लिखते समय इनफैक्ट का यूज कर सकते हैं, कोई निबंध लिखते समय इनफैक्ट का यूज कर सकते हैं। सीधे तौर पर बस किसके द्वारा जारी किया जाता है उतना ही कहीं पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, हमने देखा, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली, और इसका एक विभाग है उसके द्वारा जारी किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट हाल में किसके द्वारा जारी की गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ये भी देखते हैं चर्चा में क्यों है, वो तो पता चली है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ध्यान रखेंगे। तैयार इसको इसने करा रिपोर्ट को, भारतीय गुणवत्ता परिषद ने। इसने जिन जिन शहरों ने इसमें पार्टिसिपेट करा उनको कुछ मानकों के आधार पर, कौन शहर में ज्यादा सफाई है किसमें कम, उसका निर्धारण करा भारतीय गुणवत्ता परिषद ने। और इस रिपोर्ट को जारी किसने करा? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। इस बार इस रैंकिंग में नया क्या किया गया है कि समग्र रैंकिंग के स्थान पर शहरों के जनसंख्या वर्गीकरण के आधार पर रैंकिंग दी गई है। ऐसे नहीं कि सबसे स्वस्थ शहर कौन सा है, इस प्रकार से कि 2 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर या मेगा शहर, इस तरह के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। देखिए तो तीन सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में प्रथम स्थान पे कौन है? इंदौर। तीन की जरूरत नहीं, आप इंदौर याद रख लो, अपने से आपका काम चल जाएगा। 100 से अधिक स्थानीय शहरी निकायों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने भारत के सबसे स्वच्छ राज्य का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। छत्तीसगढ़, ध्यान रखेंगे, 100 से अधिक शहरी निकाय की श्रेणी में, और 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में देखें तब झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों हैं 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय। और भी बहुत से फैक्ट आप इन्हें देख सकते हैं। अहमदाबाद भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद सबसे स्वच्छ राजधानी नगर है। इन फैक्ट का यूज आप कैसे करेंगे? जैसे आईएएस में तो कम उम्मीद है इनकी, लेकिन स्टेट पीसीएस में, जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान दिया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तब आप ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर किसको कहा गया है? वाराणसी को किया गया है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर सबसे साफ सुथरा सबसे छोटा शहर है। तो ये सभी फैक्ट सभी को याद नहीं करने हैं। अगर आप गुजरात से हैं तो आप गुजरात वाले फैक्ट को कर लें, राजस्थान से हैं राजस्थान वाले फैक्ट को कर लें, इस तरह से पढ़े एक बार सभी को लें कि अगर बाई चांस क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसको कर पाए। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इन्हें आप रीड कर लेना। ये भी इसी प्रकार के फैक्ट हैं कि स्वच्छता के मामले में आत्मसंधारणीय शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या में राजकोट, मैसूर, ये इतने सभी के लिए काम के नहीं है। आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से जिस राज्य से आप हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, ध्यान से याद कर सकते हैं।
किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है ये सभी को याद करना है, किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अहमदाबाद भारत का सबसे साफ मेगा शहर है, मेगा शहर है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों के साथ झारखंड राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य है। ऐसे राज्य जहां 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय पाए जाते हैं, अगर उनमें देखें तो उन सभी राज्यों में सबसे स्वच्छ झारखंड है। ये दो फैक्ट चेक कर लें, सर्चानों की मैंने देख ही लिया, ये फैक्ट भी सब हमने देख लिए। ठीक, देखिए ये दो फैक्ट देखे थे। अहमदाबाद भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर है, ठीक है। 100 से अधिक स्थानीय निकायों वाले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है साफ सफाई में, और 100 से कम वालों में झारखंड प्रथम पर है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 100 से कम वालों में झारखंड, ठीक। अहमदाबाद भारत का सबसे साफ मेगा शहर है, ये भी ठीक। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी। लेकिन नहीं, आपने ये जरूर पढ़ना है क्या पूछा है, सही नहीं है पूछा है। तो ये भी, ये सही है, ये सही है, उन्होंने पूछा है सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा उस स्थिति में? डी, ना तो एक ना ही दो, मतलब दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिमंडल की समितियां संवैधानिक आधार पर निर्मित नहीं हुई हैं, मतलब इन्हें संविधान के माध्यम से नहीं बनाया गया है। संसदीय समितियां, ध्यान रखना यहाँ लिखा हुआ है मंत्रिमंडल, और यहाँ संसदीय समितियों से संबंधित सभी मामलों को दोनों सदनों के नियमों द्वारा निपटाया जाता है। तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसदीय समितियां। तो जिस समिति में मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, मतलब सरकार के सदस्य होते हैं, उनको मंत्रिमंडलीय समितियां कहा जाता है। संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं है, मंत्रिमंडलीय समितियों का। जबकि संसदीय समितियां, इनका संविधान में प्रावधान है। संसदीय समितियों की कई क्राइटेरिया होते हैं, आप अपने नोट्स में देखना। इसका अध्यक्ष सदन का सदस्य होना चाहिए, सदन के सदस्यों से बननी चाहिए, इसका एक ऑफिस होना चाहिए, इस तरह के कुछ नियम है संसदीय समितियों के, इसको संसदीय समिति कहा जाएगा। तो ये इन दोनों में अंतर है, मंत्रिमंडल समिति में मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं केवल, जबकि संसदीय समिति में गैर मंत्री सदस्य होते हैं, और जो सरकार से बाहर के लोग होते हैं वो भी उसमें सदस्य होते हैं, मतलब विधायिका के सदस्य उसमें होते हैं। चर्चा में क्यों है वो देख लेते हैं। तो हाल ही में फेसबुक पर भाजपा के कुछ राजनेताओं की टिप्पणियों तथा लेखों पर हेट स्पीच संबंधी नियम लगाए गए और उनको फेसबुक से हटा दिया गया। इस संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने 2 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर जवाब तलब करने हेतु फेसबुक को बुलाया है, मतलब फेसबुक पर जवाब तलब किया गया है और उनकी तरफ से इनका कोई अधिकारी आकर मिलेगा। ये काम किसने किया? सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति, इसलिए संसदीय समितियां चर्चा में आ गई। तो संसदीय समिति और मंत्रिमंडल समिति को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। संसदीय समिति क्या होती है? तो जो सभा द्वारा नियुक्त किया जाए या निर्वाचित की जाए, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाए, अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करे, अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करे, इस तरह के कुछ नियम है आपकी बुक में, आपके नोट्स में लिखे होंगे। मंत्रिमंडल की समितियां संवैधानिक आधार पर निर्मित नहीं हुई हैं, और ये जो संसदीय समितियां होती हैं इनकी सिफारिशें संसद पर बाध्य नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडलीय समितियां संवैधानिक आधार पर निर्मित नहीं हुई हैं, ठीक है। संसदीय समितियों से संबंधित मामलों को दोनों सदनों के द्वारा निपटाया जाता है, ये भी ठीक है। जो दोनों सदन के नियम होते हैं उनके माध्यम से ही इन्हें निपटाया जाता है। पूछा है कौन से कथन सही है? दोनों ही सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो, दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 से 24 की अवधि के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। जारी किया है वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति। ये जो वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति है, ये भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा प्रवर्तित प्रमोटेड जो तो लाभ कंपनी है उन पर लागू नहीं होते, उनके लिए नहीं है। इन दो स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं कौन सा सही है, पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जारी की गई, जिसे अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा।
उन्नीस से 24 तक के लिए इसे किया गया। यह बहुहितधारक दृष्टिकोण का उद्देश्य वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत का निर्माण करना है। वो भूल जाएंगे, इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत, ऐसा भारत जिन्हें वित्तीय टूल्स के बारे में पता हो। जैसे कि अभी जनता को ये नहीं पता लोन कैसे मिलेगा, बीमा कैसे कराएं, बीमे के क्या लाभ हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो इस सब की जानकारी जनता को नहीं है, तो वो इनका लाभ नहीं उठा पाती। जब हमारी जनता इस सबको जानने लगेगी तो इनका लाभ उठा पाएगी। हमें वित्तीय रूप से जागरूक भारत को बनाना है, इसका मतलब हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। तो ये जो प्रोग्राम है वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति, ये दरअसल में वित्तीय समावेशन के लिए किया जा रहा है प्रयास है। इसमें बीमा कवर इन सब की जाएगी, और कौन कौन मिलकर इसको चला रहे हैं, चार वित्तीय क्षेत्र नियामक हैं, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी, इरडा और पीएफआरडीए, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण, ये सब मिलकर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति। देखते हैं तो 2019-24 की अवधि के लिए चला जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको किया है, ठीक। 19-24 के लिए चलाया जा रहा है, ठीक। और वित्तीय शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति, ठीक। पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा प्रवर्तित लाभ कंपनी के लिए नहीं है, ये जो है इस अवधि के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति, वो भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा जो प्रमोटेड लाभ कंपनियां हैं उनके लिए नहीं है, ये गलत है। ये रूल्स सभी के लिए हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। पूछा है कौन से सही है, केवल एक सही है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक। अगर ये क्विज आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगी, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।